आपको बता दूं कि JKSSB की तरफ से जो एक न्यू सिलेक्शन लिस्ट जारी की जा रही है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है ये कैंडिडेट्स की, ठीक है, हॉर्टिकल्चर टेक्निकल ग्रेड 4 में। तो नोटिफिकेशन नंबर 5 था 2021 का, जिसकी ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे निकाल दी गई है। टोटल आपकी 198 वैकेंसीज थी यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रेड 4 की वैकेंसीज सारी मैं आपको बता दूँ, देख सकते हैं। जैसे जम्मू में टोटल वैकेंसीज 11 थी आपकी, सांबा में 7 थी। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं किस तरह से आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल 198 यहाँ पे पोस्टें थी। क्वालिफिकेशन इसकी आप देख सकते हैं किस हिसाब से JKSSB ने रखी थी यहाँ पे। 10+2 था और 1 ईयर बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग पास आप होने चाहिए थे कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, सॉरी रिकॉग्नाइज कोई भी इंस्टीट्यूशन हो तो वहाँ से। बाकी इसका एग्ज़ाम जो वो CBT लिया गया था आपका 29 को, यहाँ पे आप देख सकते हैं 29/11/2022 को इसका एग्ज़ाम आपका यहाँ पे करवाया गया था, ठीक है। तो ये आपकी सिलेक्शन जो वो जारी कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट का नाम भी आप देख सकते हैं, जैसे जुबैर हुसैन, डिसीजन ऑफ द बोर्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो JKSSB की तरफ से ऑफिशियल साइट पर जारी कर दी गई है। आप लोग जाके ऑफिशियल साइट पर भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो वो आपको मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग जो है वो अपनी सिलेक्शन लिस्ट देख सकते हैं। ये आपका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से JKSSB ने ये पूरा यहाँ पे सिलेक्शन से जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट का नाम वगैरह सारा कुछ, ठीक है। जैसे अंकित कुमार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग जो है ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, वहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर जो है यही सिलेक्शन लिस्ट अभी के लिए मिलेगी जो रिसेंटली JKSSB ने जारी किया है। बाकी अगर मैं बात करूँ कि JKSSB के और जो आपके एग्ज़ाम होने हैं, या आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर हो गया, या फिर आपका जो पेंडिंग बाकी रिजल्ट से जो मेन एग्जामिनेशन हुए थे, या सब इंस्पेक्टर की कोई अपडेट अभी तक जो है वो JKSSB ने जारी नहीं की है। सब इंस्पेक्टर का जो है वो नेक्स्ट हियरिंग जो कोर्ट में होगी उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि JKSSB के हाथ में जो अब सब इंस्पेक्टर का कोई भी मसला है नहीं है। वो सारा मसला जो है दोस्तों अब सब इंस्पेक्टर का वो कोर्ट के पास, ठीक है। तो कोर्ट जिस तरह की डायरेक्शन यहाँ पर देगा उसी हिसाब से यहाँ पे JKSSB को काम करना है। अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि उस एग्ज़ाम को आप लोगों को रद्द करना है और नेक्स्ट फिर से एग्ज़ाम लिया जाए एक और मॉक टेस्ट, तो फिर एक और मॉक टेस्ट ले लेंगे, जैसे 2 मॉक टेस्ट पहले ही JKSSB सब इंस्पेक्टर के ले चुकी है। तो देखते हैं आगे फाइनल क्या JKSSB करती है इसको लेकर के।